अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी मरियम आपा और मैं हाजिर हूं आपके और मेरे पसंदीदा शो इल्म का आंगन की आखिरी किस्त के साथ। आप बच्चों ने मेरे कहने पर इतनी सारी ड्राइंग्स बनाकर भेजी हैं कि मुझे बहुत खुशी हुई। ये सब ड्राइंग्स मैं संभाल कर रखूंगी। उनमें से कुछ ड्राइंग्स आपको टीवी पर दिखा देती हूँ और साथ ही साथ जिन बच्चों ने होमवर्क करके हमें अपने नाम भेजे हैं उन बच्चों के नाम भी देख लेते हैं। चलिए, इस हफ्ते हमें इतनी सारी ड्राइंग्स मिली कि देख के मुझे बहुत खुशी हुई। मैं ये सब ड्राइंग्स संभाल कर रखूंगी। कुछ बच्चों की ड्राइंग्स आपको टीवी पर भी दिखा रहे हैं। उन बच्चों के नाम हैं शीश खावर, हलीमा जहीर, हफ्सा, रानिया, अब्रिश, अफीफा, वासे, ईशा, माहिम, और मिनाहिर। शाबाश बच्चों, ये ड्राइंग्स बहुत प्यारी हैं। इस हफ्ते होमवर्क करके जिन बच्चों ने हमें अपने नाम भिजवाए हैं उनमें से कुछ बच्चों के नाम हैं एहसन नसीर, एमन, आयना गुल, आयजा मलिक, अनम, आयशा फातमा, फातिह, हसन अयाज, इसरा महमूद, जुनेद, मलका, शिराज और जुल्करनैन। शाबाश बच्चों। शाबाश, बहुत खुशी हुई मुझे ये देखकर। अब मैं आपको ये बताती चलूं कि आज के शो में हम बहुत दिलचस्प बातें करेंगे। हम ये बात करेंगे कि कैसे हम सब में कुछ अच्छी बातें भी होती हैं और कुछ ऐसी बातें होती हैं जो ज़्यादा अच्छी नहीं होती, जिन पर हमें काम करने की ज़रूरत होती है। और ये बातें सब में होती हैं, हम में भी, हमारे दोस्तों में भी, घर वालों में भी। अच्छे दोस्त वही होते हैं जो दूसरे दोस्तों की अच्छाइयों को याद रखें और बुराइयों को जाने दें, और जब किसी दोस्त को ज़रूरत पड़े तो हमेशा उसके काम आए। ये बातें तो होती रहेंगी, अब जल्दी से चल के वर्जिश कर लेते हैं ताकि हम चुस्त महसूस करें। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है कि आप सब बच्चे आज की वर्जिश के लिए तैयार हैं और पूरे जज्बे के साथ तैयार हैं। मेरा नाम है मरियम, मैं अपना टाइमर शुरू करूंगी अब और आपको लेके जाऊंगी आज की पहली एक्सरसाइज की तरफ। बहुत मजे की एक्सरसाइज है, शायद आपने ये पहले की हो मेरे साथ। क्या आपने करना है? आपने पहले इस तरफ जाना है। 1 2 3, 1 2 3, तो आपने घुटना ऊपर आसमान की तरफ लेके जाना है। लेकिन 1 2 3, 2 कदम नीचे और 3रा कदम ऊपर की तरफ। 1 2 3, आसान है, मजे का है ना? आपने साथ साथ गिनती भी करनी है, 1 2 3, ताकि आपको बिल्कुल ठीक तरह से पता लगे कि आप ये वर्जिश ठीक कर रहे हो कि नहीं। चले अब हम आते हैं जमीन पर। आपने क्या करना है, आपने इस तरह आना है अपने हाथों के बल और फिर अपने टोस पर आ जाएं। एक पांव को लेके जाएं आगे और फिर वापस पीछे, फिर दूसरे पांव को आगे लेके जाना है और वापस पीछे, आगे और पीछे। ताकत दिखाएं, कर सकते हैं आप ये ठीक तरह से। बस आपने रुकना नहीं है, करते जाना है, करते जाना है। और ये अगर आप करते जाएंगे तो आपकी इंशाल्लाह ताकत बहुत अच्छी बनेगी।
आप में और जोश और जज्बा और एनर्जी आएगी। चलें अगली एक्सरसाइज की तरफ आते हैं, जिससे हमें और जज्बा मिलेगा और हमारा हार्ट रेट ऊपर जाएगा। क्या आपने करना, एक बाजू ऊपर एक टांग पीछे, बाजू ऊपर टांग पीछे। सांस आपने लेना नहीं भूलना, और आपको पता है ना, याद है वर्जिश में किस तरह सांस लेते हैं, नाक से अंदर और मुंह से बाहर। अगर आपने और तेज करना है तो आप और भी तेज कर सकते हैं इसको। चले जी, खड़े खड़े हमने इस तरह की दौड़ लगानी है, इस तरह से कदम रखने हैं। चले राउंड टू की तरफ आते हैं, फिर से हम पहली एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। तीन कदम हमने इस तरफ लेने हैं। रेडी गो, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अगर आपको सांस चढ़ रहा है चढ़ने दे, लेकिन गिनती ना रोके। 1 2 3, 1 2 3। गुड जॉब, शाबाश बच्चों, बहुत अच्छे, आपने लगे रहना है और इसी तरह अपने अंदर दबानगी लेके आनी है। गुड, एक और दफा करते हैं। गुड जॉब। नीचे हम अपने प्लैंक पोजीशन में आते हैं, अपने हाथों को नीचे रखेंगे, पांव को पीछे लेके जाएंगे, फिर एक कदम आगे वापस पीछे, एक कदम आगे वापस पीछे, इस तरह आपने करते जाना है। और साथ साथ सांस भी लेनी है, और ध्यान रखना है कि आपके जो बाजू हैं वो सीधे रहें जब आप ये वर्जिश कर रहे हो। सीधे बाजू और कदम बढ़ाएं, बहुत खूब। थोड़ी देर और, बस अगली वर्जिश आने लगी है। और अब हम करते हैं अपनी आखिरी वर्जिश, जिसके बाद हमने स्ट्रेचिंग करनी है। चलें जी, सो क्या हमने करना है, हमने थोड़ा सा इसमें और जज्बा डालना है। तो किस तरह डालेंगे, हम इसको भाग भाग के करेंगे, बाजू और ऊपर, पांव पीछे, और ठीक तरह से आपने दौड़ लगानी है। कौन मेरे से तेज लगाएगा, और स्पीड लगानी है, और स्पीड भी लगा सकते हैं, वरना आप आराम आराम से करें, लेकिन कोशिश करनी है। हर बच्चे ने मुकम्मल कोशिश करनी है कि मेरे साथ वर्जिश करे। चलें जी, अब हम आते हैं स्ट्रेचिंग की तरफ। तैयार हैं, इस तरफ अपनी शक्ल करनी है, दाई टांग को आगे लेके आना है और आगे की तरफ। सांस कैसे हम लेते हैं, नाक से अंदर मुंह से बाहर, इससे आपकी टांगों की स्ट्रेचिंग हो रही है, अंदर और बाहर, बहुत खूब। इसी तरह रहें थोड़ी सी देर और अपने पूरे जिस्म में ऑक्सीजन भेजें सांस लेके। चले अब हम दरमियान में आते हैं, और यही वाला स्ट्रेच अब हम इस तरफ शक्ल करके करेंगे और बाई टांग को आगे रखेंगे। दोनों जूते हमने नीचे रखने और अपने आप को आगे करना है, और सांस उसी तरह से लेनी है, अंदर और बाहर, बहुत खूब बच्चों। मुझे पूरा यकीन है कि आज की वर्जिश के बाद आप बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं, और आप अपने सारे काम, सब पढ़ाई अच्छे से करेंगे, अपने बड़ों का कहना मानेंगे, अपनी सफाई का ध्यान रखेंगे, और हमारी आज की वर्जिश हुई खत्म। तालियां, वेरी वेरी गुड, बहुत खूब बच्चों, बहुत अच्छी वर्जिश की। अब फौरन से जाके आपने पानी पीना है, अपने हाथ धोने हैं, और अपने सफाई का ख्याल रखना है। मैं आपसे मिलूंगी अगली किस्त में। अल्लाह हाफिज। कर ली वर्जिश, अब बारी है आराम करने की। वैसे आपको वर्जिश करके खुशी महसूस होती है? एक दिन मैं बहुत उदास थी, मुझे मेरी दोस्त ने मशवरा दिया कि कुछ देर वर्जिश करो। मैंने सोचा मैं इतनी हिम्मत कहाँ से लाऊं, और वर्जिश करके क्या ही हो जाएगा। उसने बहुत ज़िद की तो मैंने 10 मिनट वर्जिश कर ली। वैसे बच्चों वो सही कह रही थी,
मेरा मसला तो हल नहीं हुआ, लेकिन वर्जिश करने के बाद मैं कम उदास हो गई और मुझे लगा कि मैं बहुत चुस्त हो गई हूँ, वैसे ही जैसे हम वर्जिश के बाद इस प्रोग्राम में हो जाते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, अच्छे दोस्त कई बार अच्छे मशवरे देते हैं। मुझे मेरे दोस्त बहुत पसंद हैं और अब उनकी बात करके वो याद भी आ रहे हैं। मैं ऐसा करती हूँ, मैं अपनी किसी दोस्त से बात कर लेती हूँ, उतनी देर आप कहानी आंटी सानिया से दोस्तों के बारे में एक मज़े की कहानी सुनिए। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, इतवार की सुबह है, अच्छा तगड़ा खूब सारा नाश्ता हो गया ना, बस अब सारे काम कर दीजिए साइड पर और आ जाइए सुनिए कहानी आंटी से। आज की कहानी मेरे दोस्तों के बारे में है, मैं आपको मिलवाऊंगी अपने दोस्तों से। इस कहानी का नाम है मेरे दोस्त और इसकी मुसन्निफा हैं वर्षा काजी और मुसव्विर हैं अपने फहद अहमद। आओ तुम्हें अपने दोस्तों से मिलाऊं। ये हैं अली और आयशा, हैं ये दोनों जुड़वा। हम हर रोज़ साथ खेलने जाते हैं, कभी खेलें गुड़ियों से तो कभी खेलें पकड़म पकड़ाई। ये है सायरा, उर्दू कम ये समझती है इसलिए बातें नहीं ये करती है, लेकिन अक्सर हमें बुलाती है दावत पर और इसकी अम्मी देती है बहुत मज़े का मीठा बनाकर। ये है नायमा, नायमा स्कूल में रहे चुपचाप और अलग थलग, पर बाहर वो उधम मचाए, घर में इसके मिजाज है बिल्कुल ही उलट। ये है समन, समन बात बात पर रोने लग जाए, मगर मुझ पर जब भी कोई मुश्किल या परेशानी आए तो वो हर मसले का हल बताए। ये है मुस्तफ़ा, हमारे साथ क्रिकेट नहीं खेल पाता, पर खेल के बाद लतीफे सुनाकर हम सबको है खूब हंसाता। ये है हारिस, है ये बहुत ज़हीन और होनहार, आता है इसे साइकिल चलाना और हम सबको भी वही सिखाए। कभी कभी लड़ाई भी हो जाती है हम दोस्तों में, लेकिन जब भी कोई मुश्किल आ जाए तो हम सब एक दूसरे का साथ निभाएं और डट कर खड़े हो जाएं। आखिर हैं तो हम सब दोस्त ही है कि नहीं। कैसी लगी कहानी, मज़ा आया सुनकर? उम्मीद है कि आपने ये ज़रूर सीखा होगा कि अच्छे दोस्त वही होते हैं जो ज़रूरत के वक्त पर जल्दी से अपने दोस्त की मदद करने के लिए खड़े हो जाते हैं। मेरे भी कुछ ऐसे बहुत अच्छे दोस्त हैं। वैसे आपको पता है, मैं चाहती हूँ कि मेरे तो सारी दुनिया में दोस्त हों, और हैं भी। मेरे कई दोस्त तो पाकिस्तान से बाहर भी रहते हैं, मैं उनको ख़त लिखती हूँ। एक मसला है कि उन सबको उर्दू नहीं आती और अब वो इतनी मुख्तलिफ ज़बानें बोलते हैं कि मेरे लिए वो सब ज़बानें सीखना भी मुश्किल है, लेकिन सब थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी बोल लेते हैं इसलिए हम एक दूसरे से अंग्रेज़ी में बात कर लेते हैं तो आपस में बातचीत करना आसान हो जाता है। इसीलिए मैं आजकल अपनी अंग्रेज़ी सीखने पे बहुत तवज्जो दे रही हूँ। आप भी मेरे साथ आज ये सीखिए कि हम इंग्लिश में जुमले कैसे बना सकते हैं। हमने नाउंस भी सीखे हैं, वर्ब्स भी सीखे हैं, हमने बहुत कुछ पढ़ा है। अब हम देखेंगे कि एक सही से जुमला कैसे बनाया जाता है। चलिए बच्चों, आपको पता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है? जब मिट्ठू ने अपना पहला अंग्रेजी ड्रामा लिखा तो उसे भी नहीं पता था। आए देखते हैं मिट्ठू ने कैसे सीखा। शेक्सपियर, मिल्टन, कीट्स और शॉ जैसे अंग्रेजी कलाम निगारों से मुतासिर होकर मिट्ठू मियां ने खुद एक अंग्रेजी ड्रामा लिखने का सोचा। दिन रात एक करके आखिरकार मिट्ठू ने अपना ड्रामा लिख ही लिया। अब बस उसका एक ही ख्वाब था, अपने किरदारों को स्टेज पे देखना। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। राशिद, राइट।
आमिना रीड द डॉग बार्क। अरे बंद करो ये ड्रामा। क्यों, क्या हुआ सर? एज ऑलवेज तुमने गड़बड़ कर दी ना माय बॉय। कहां? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में है। A sentence has a subject and a verb. जुमले में एक subject और एक verb होता है। Subject is the noun or pronoun that performs the action. Subject वो शख्स है जो कोई काम कर रहा हो, जैसे राशिद। Verb is the action word. Verb वो काम है जो हो रहा हो, जैसे राइट यानी लिखना। ओ, अब इतनी अंग्रेजी तो आती है मुझे, ऐसे ही तो नहीं ड्रामा लिख लिया। सिर्फ इतना काफी नहीं है माय बॉय, सब्जेक्ट वर्ब आता हो भी तो उनका एग्रीमेंट सीखे बगैर कुछ नहीं लिख सकते। मतलब? मतलब ये कि सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लिखते हैं, ऐसे ही थोड़ी कुछ भी लिख देते। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। If a subject is singular, we add s to the verb. अगर subject singular, यानी कोई एक चीज या शख्स हो, जैसे राशिद, तो उसके verb के आखिर में s लिखते हैं। इस तरह सही जुमला बनेगा, राशिद writes. If the subject is plural, we do not add s to the verb. अगर subject plural, यानी एक से ज्यादा हो, जैसे राशिद एंड आमिना दो लोग हैं, तो उसके वर्ब के आखिर में एस नहीं लगता। फिर ये सेंटेंस बनेगा, राशिद एंड आमिना राइट। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। राशिद राइट्स, आमिना रीड्स। Rashid and Amina write. Rashid and Amina read. The dog bark. The cat play. Cut, cut, cut. अब कहाँ गड़बड़ कर दी सर? Subject verb agreement, my boy. नहीं पर सुनो, मैं बताता हूँ। कोई एक जानवर भी सब्जेक्ट हो तो उसके वर्ब में एस लगाते हैं, जैसे डॉग के साथ बार्क्स आएगा तो सही जुमला बनेगा, डॉग बार्क्स। और एक से ज्यादा जानवरों वाले सब्जेक्ट के वर्ब में एस नहीं लगता, तो डॉग्स के साथ बार्क लिखेंगे, तो सही जुमला बनेगा, डॉग्स बार्क। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। द डॉग बार्क्स। The cat plays. Birds sing. He lose the letter. It rain. Cut! Boy, cut, cut. अब क्या है? Subject और verb फिर agreement में नहीं है। अभी भी? Calm down, my boy. अभी ठीक कर लेते हैं। Calm down. गौर से सुन। किसी एक शख्स के नाम के अलावा अगर सब्जेक्ट हो सिंगुलर प्रोनाउंस, he, she और it, तो भी उसके वर्ब में s लगता है, जैसे he drinks, she sleeps, it rains. और अगर सब्जेक्ट हो प्लूरल प्रोनाउंस, जैसे we यानी हम और they यानी वो, तो उनके वर्ब के साथ एस नहीं लगता, जैसे वी प्ले, दे वॉच। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। ही लूजेस द लेटर। इट रेन्स। ही वेट्स फॉर द लेटर। इट रेन्स। We play music. They meet. The end. Subject verb agreement.
If a subject is singular, we add s to the verb. अगर subject singular, यानी कोई एक चीज या शख्स हो, जैसे Jojo, तो उसके verb के आखिर में s लिखते हैं, जैसे Jojo eats. If the subject is plural, we do not add s to the verb. अगर subject plural, यानी एक से ज्यादा हो, जैसे Jojo and Pinky दो लोग हैं, तो उसके verb के आखिर में s नहीं लगता. फिर ये sentence बनेगा, Jojo and Pinky eat. कोई एक जानवर भी सब्जेक्ट हो तो उसके वर्ब में एस लगाते हैं, जैसे एक कैट के साथ स्लीप के बजाय स्लीप्स लगेगा, कैट स्लीप्स. और एक से ज्यादा जानवरों वाले सब्जेक्ट के वर्ब में एस नहीं लगता, जैसे एक से ज्यादा कैट्स के साथ स्लीप लिखेंगे, एस के बगैर, कैट्स स्लीप. किसी एक शख्स के नाम के अलावा अगर सब्जेक्ट हो सिंगुलर प्रोनाउंस, ही, शी और इट, तो भी उसके वर्ब में एस लगता है, जैसे ही ड्रिंक्स, शी स्लीप्स, इट रेन्स. और अगर सब्जेक्ट हो प्लूरल प्रोनाउंस, जैसे वी यानी हम और दे यानी वो, तो उनके वर्ब के साथ एस नहीं लगता, जैसे वी प्ले, दे वॉच. अभी प्ले स्टोर से तालीम अबाद डाउनलोड करें. ये तो हमने आज बहुत काम की चीज सीखी है. आप सबके साथ इस शो में इंग्लिश सीखकर अब मेरी इंग्लिश काफी बेहतर हो गई है. पहले मुझे इंग्लिश बोलने से डर लगता था. मैं सोचती थी कि अगर मैं इंग्लिश बोलूंगी और गलत बोलूंगी तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे कि इसको तो सही से इंग्लिश ही नहीं आती, इसलिए मैं डर के बोलती ही नहीं थी. लेकिन फिर मैंने सोचा कि मुझे डर लगता क्यों है. क्या सब अंग्रेज उर्दू बोल सकते हैं? नहीं. क्या सब लोगों को सब जबानें बहुत अच्छी आती हैं? नहीं. तो अगर मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी या बिल्कुल ठीक नहीं भी है तो क्या फर्क पड़ता है? इंग्लिश मेरी जबान थोड़ी है, बस इतनी आनी चाहिए कि मैं ऐसे लोगों से बातचीत कर सकूं जिनको इंग्लिश समझ में आती है, तो काफी है. इसलिए अब मुझे डर नहीं लगता. क्या आपको किसी चीज से डर लगता है? क्या किसी इंसान से, जैसे ऊंचाई, कीड़े मकौड़े, क्लाउन्स यानी जोकर, कोई अंधेरा कमरा, जानवर, कम नंबर आना? डर बहुत किस्म के हो सकते हैं, इंसानों से भी लग सकते हैं और चीज़ों से भी. जब मैं छोटी थी और मैं देखती थी कि कोई इंसान जोकर बन के मेले में खड़ा है तो मैं बहुत रोना शुरू हो जाती थी. मुझे लगता था कि ये पता नहीं क्या है. जब मुझे पता चला कि इसके अंदर इंसान है तो मेरा डर कम हो गया. इसका मतलब है कि हमें उन चीज़ों से डर ज़्यादा लगता है जो हमें समझ में नहीं आती. आप भी सोचिए कि आपका जो भी डर है वो क्यों है और किस चीज़ से है. फिर आप ज़रा बड़ों से बात करके देखिए कि आप इस डर के बारे में क्या कर सकते हैं. हो सकता है कि उनकी मदद से आप अपने डर पे काबू पा सकें और बहादुर हो जाएं. मैंने इस शो के ज़रिए अपने एक और डर पर भी काबू पाया है और वो है मैथ्स यानी रियाजी का डर. मैं जब भी मैथ्स का एग्ज़ाम देने स्कूल जाती थी तो इतना रोती थी कि बस ना पूछें. मुझे मैथ्स से हमेशा से डर लगता था. लेकिन जब मुझे एक ऐसी टीचर मिली और मुझे ऐसी वीडियोस देखने को मिली जिनको देखकर मुझे मैथ्स समझ आने लगी, तो मुझे मैथ्स अच्छी लगने लगी और फिर मैं वो सब कुछ आपके साथ भी शेयर करती रही और आपको भी सिखाती रही. इसका मतलब है कि डर पे काबू पाना नामुमकिन नहीं है. खैर, बात हो रही है रियाजी की, तो आज देखते हैं कि हम रियाजी में क्या पढ़ने वाले हैं. आज हम सीखेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में. वर्ड प्रॉब्लम्स वो सवालात होते हैं जिनमें मैथ्स की मदद से हम रोज़मर्रा के मसाइल के हल निकाल सकते हैं. तो चलिए देखते हैं कि आज की वर्ड प्रॉब्लम्स किन मसाइल के बारे में है.
Operations and word problems. Word problems हमें रोजमर्रा के मसाइल हल करने में मदद करती हैं. जैसे कुछ लोग चीजें बस जमा करते रहते हैं और ज्यादा चीजें. लेकिन चीजों की तफरीक भी जरूरी है. चीजों की जमा और तफरीक का हिसाब हमें मैथ सिखाती है. मैथ्स में फोर बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन. चीजों को जमा करना एडिशन कहलाता है और उनकी तफरीक करने को सब्ट्रैक्शन कहते हैं. जैसे ये एक घर है, इसमें शीबा रहता है, उसकी बीवी रहती है और बीवी की अम्मी रहती हैं. शीबा 4 रोटियां खाता है, शीबा की बीवी 2 और उनकी अम्मी भी 2 रोटियां खाती हैं. कुल ये मिलकर 4 + 2 + 2 यानी 8 रोटियां खाते हैं. ये एडिशन है. शीबा की सास ईसा खेल गई तो 2 रोटियां कम हो गईं, तो उनके पास रह गईं 8 - 2, 6 रोटियां. ये सब्ट्रैक्शन है. आपने देखा कि हमारे पास 2 तरह के नंबर्स थे. एक तरफ वो नंबर्स जो बता रहे थे कि हर फर्द कितनी रोटियां खाता है और दूसरी तरफ उनकी कुल तादाद. इसको हम इन ब्लॉक्स के जरिए भी समझ सकते हैं. ये डब्बा शीबा का घर है. इसमें शीबा 4 रोटियां, शीबा की बीवी 2 रोटियां और शीबा की सास 2 रोटियां खाती है, तो इनका कुल जमा हुआ 8, जो कि हम ऊपर वाले हिस्से में लिखेंगे. अब जब शीबा की सास ईसा खेल गई तो उसका डब्बा ऐसे बनेगा. टोटल 8 में से 2 माइनस, तो बाकी रह गई 6, जो कि शीबा और उसकी बीवी का हिस्सा है. अब शीबा की गली में 8 घर है. हर घर से रोज 2 टोकरी कचरा जमा होता है. अगर हर घर से बराबर कचरा जमा होता है तो कुल कितनी टोकरियां जमा होती हैं इस गली से? इसके लिए भी घर बनाते हैं. ये है शीबा की पूरी गली का कचरा. इसमें 8 घर हैं. हर घर से 2 टोकरी कचरा जमा होता है. जी हाँ, हम इसको एडिशन से हल कर सकते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा आसान है मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि हर घर से बराबर कचरा जमा होता है. यहाँ मल्टीप्लाई करना ज्यादा आसान है. घर की कुल तादाद को मल्टीप्लाई करें एक घर के कचरे की तादाद से. 8 घर मल्टीप्लाइड बाय 2 टोकरी. इस गली से कुल 16 टोकरियां कचरे की जमा होती हैं. एक दिन गली में मिठाई बांटी गई. हर घर में बराबर की मिठाई बांटी गई. 64 गुलाब जामुन 8 घरों में बराबर बांटे गए. तो हर घर में कितने गुलाब जामुन गए? इसके लिए भी घर बनाते हैं. ये हैं कुल गुलाब जामुन जो शीबा की गली में बांटे गए, 64. शीबा की गली में 8 घर हैं. हर घर में बराबर हिस्सा मिला, तो एक घर का हिस्सा हम 64 डिवाइडेड बाय 8 से पता लगा सकते हैं. आपने देखा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन की वर्ड प्रॉब्लम्स में हमारे पास हमेशा नंबर्स 2 तरह की बातें बता रहे हैं. हाउ मेनी इन टोटल, या कुल कितनी चीजें हैं, और हाउ मच इन ईच पोर्शन, यानी हर हिस्से में कितनी चीजें हैं. लेकिन डिविजन और मल्टीप्लिकेशन में एक और बात भी होती है जो हमें नंबर्स बताते हैं. क्या आप बता सकते हैं कि वो क्या है? वो नंबर बताता है कि चीजें कितने हिस्सों में बट रही हैं, या हाउ मेनी पोर्शंस. अगर हमें इनमें से कोई भी 2 नंबर पता हो तो हम तीसरा नंबर आराम से ढूंढ सकते हैं मल्टीप्लिकेशन या डिविजन के जरिए. मल्टीप्लिकेशन और डिविजन में हमेशा बराबर के हिस्से या पोर्शंस होते हैं. अगर हिस्से बराबर के ना हो तो हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए. जैसे जोजो के पास 20 रुपीज हैं और दानी के पास 40,
टोटल हुआ 20 + 40 = 60 rupees. दोनों ने पैसे मिलाकर 60 rupees के 3 गुब्बारे लिए, तो एक गुब्बारे की कीमत है 60 ÷ 3 = 20 rupees. तो यहाँ हमने की डिविजन या मल्टीप्लिकेशन और यहाँ की एडिशन या सब्ट्रैक्शन. मैथ्स के 4 बेसिक ऑपरेशंस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिविजन, मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों में चीजों को जमा करके टोटल मालूम करना होता है. डिविजन और सब्ट्रैक्शन में तफरीक होती है. एडिशन और सब्ट्रैक्शन में पोर्शंस या हिस्से बराबर नहीं होते. मल्टीप्लिकेशन और डिविजन में पोर्शंस या हिस्से बराबर होते हैं. एडिशन और सब्ट्रैक्शन की वर्ड प्रॉब्लम्स में नंबर्स हमें ये दो बातें बताते हैं, हाउ मेनी इन टोटल, हाउ मच इन ईच पोर्शन. मल्टीप्लिकेशन और डिविजन में नंबर्स हमें ये तीन बातें बताते हैं, हाउ मेनी इन टोटल, हाउ मच इन ईच पोर्शन, हाउ मेनी पोर्शंस. अभी प्ले स्टोर से ताली मेहबान डाउनलोड करें. शाबाश, आपने आज वर्ड प्रॉब्लम्स हल करना भी सीख लिए हैं. अब इतना कुछ सीख लिया है आपने, आपकी बहुत मदद होगी जिंदगी में. मैथ्स वैसे भी बहुत काम आता है, वैसे तो आर्ट्स भी बहुत काम आता है. नई नई चीज़ें बनाने का अपना ही मज़ा है. जब आप कुछ खुद से तख्लीक करते हैं तो उसको देखकर बहुत खुशी होती है. तो चलिए हम प्रोग्राम के अगले हिस्से में कुछ नया सीखते हैं और बनाते हैं. अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आपको मालूम है ना कि अगर आप कोई गरम खाने की डिश फौरी तौर पर दस्तरखान पर रख देंगे तो दस्तरखान या खाने की मेज़ ख़राब हो सकती है. इसीलिए ज़रूरी है कि आप गरम खाने की डिश को दस्तरखान पर रखने से पहले उसके नीचे एक कपड़ा या मैट रखें. आज हम घर में मौजूद पुराने मोज़ों का इस्तेमाल करते हुए एक मैट बनाना सीखेंगे. इसको बनाने के लिए आपको स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली चीज़ों की ज़रूरत होगी. पुराने मोज़े, सुई और धागा और कैंची. सबसे पहले आप घर के तमाम पुराने मोज़ों को जमा कर लें और उन्हें अच्छे से धो लें. अब एक एक करके हर मोज़े को काटना शुरू करें. एक मोज़े को अपने सामने रखें और नीचे वाले हिस्से को काटकर अलग कर दें. फिर मोज़े की पतली पतली पट्टियां काटें इस तरह. बच्चों, कैंची का इस्तेमाल करते हुए आप किसी बड़े की भी मदद ले सकते हैं. आपने जितने भी मुख्तलिफ रंगों के मोज़ों को जमा किया है उन तमाम मोज़ों की पट्टियां काट लें इस तरह. अब हम इन पट्टियों को जोड़ेंगे. मोज़े की एक पट्टी लें, उसे थोड़ा खींचें, घुमाकर डबल करें और अपनी दो उंगलियों के बीच में फंसा लें. अब दूसरी पट्टी लें, खींचें, डबल करें, अपनी उंगलियों के बीच में फंसाएं और फिर नीचे वाली पट्टी को दाएं और बाएं तरफ से ऊपर ले आएं. अब यही आप तमाम मोज़ों की पट्टियों के साथ दोहराएं.
बच्चों, इसको तब तक दोहराते रहिएगा जब तक आपके पास एक लंबी रस्सी ना बन जाए। अगर ये आपको मुश्किल लग रहा है तो आप किसी बड़े की भी मदद ले सकते हैं। अब आप मोजू की पट्टियों से बनाई गई रस्सी को मोड़ें इस तरह। आपको सर्कल शेप बनते हुए दिखेगी। ताकि ये खुल ना जाए, हम इसको सुई और धागे से सी देंगे इस तरह। बच्चों, सुई को ध्यान से इस्तेमाल कीजिएगा, कहीं आपको चुभ ना जाए। जो धागा बच गया है उसे काट लें। अब हमारा पुराने मोजों से बना मैट तैयार है। बच्चों, अगली बार जब आप दस्तरखान बिछाएं तो इसको गरम खाने की डिश के नीचे जरूर रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अरे वाह, अब तो बाजार से दस्तरखान भी नहीं खरीदना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा आइडिया है। अच्छा हुआ कि आज हमने ये भी सीख लिया। अब चल के दोहरा लेते हैं कि इस किस्त में हमने क्या कुछ सीखा है। आज हमने वर्जिश की, ये सीखा कि हमें अपने दोस्तों का साथ देना चाहिए। इंग्लिश में हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखा, रियाजी में हमने वर्ड प्रॉब्लम सीखी, और आर्ट्स में हमने अपने दस्तरखान के ऊपर रखने वाला कपड़ा बनाना सीखा। आज का होमवर्क ये है कि आपने मंदरजा झेल जुमलों को दुरुस्त करके लिखना है। ये जुमले स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये हैं, कैट प्ले, बेबी क्राई, दे रन्स, Birds eats. होमवर्क का दूसरा हिस्सा है कि आपने ये वर्ड प्रॉब्लम हल करनी है। ये वर्ड प्रॉब्लम कुछ यूं है कि सारा के अब्बू घर में फूलों का एक गुलदस्ता लेकर आए। गुलदस्ते में कुल 12 फूल थे। सारा और उसके 3 छोटे बहन भाई लड़ने लगे कि इन सब को अपने अपने फूल चाहिए। तो अब्बू ने फूल तकसीम करने का फैसला किया। सब बच्चों को कितने कितने फूल मिले? चलें बच्चों, अब मुझे इजाज़त दें। ये सफ़र बहुत अच्छा रहा। उम्मीद है कि आपने जो कुछ इस प्रोग्राम से सीखा है वो आगे जाकर भी आपकी ज़िंदगी में आपकी मदद करेगा। मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। मैं आपको बहुत याद करूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।